दोस्तों, आज के समय में हर कोई पैसे के लिए काम करना चाहता है और यह सही भी है, क्योंकि आज हमारी सभी जरूरतें पैसों से पूरी होती है। लोग पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अब वो चाहे छोटा सा दुकानदार हो या किसी मल्टीप्लेक्स का मालिक, सभी उतनी ही मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब क्यों होते जा रहे हैं? अमीर लोग अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि एक टाइम उनके बाद उनका पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। अगर आपकी उम्र अभी 20 साल है और आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपका पैसा भी आपके लिए काम करे, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सा तरीका है जिसको यूज करके आपका पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 8वें अजूबे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वह इससे कमाता है और जो इसे नहीं समझता है वह इसे गंवाता है। आप सोचिए कि आपको एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। वहाँ पर आपको सैलरी के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन, हर महीने आपको 100 की सैलरी दी जाएगी, और वहीं दूसरा ऑप्शन, आपको 10 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, लेकिन यह पैसा आपको हर महीने डबल होकर मिलेगा। तो आज के समय में आप में से ज़्यादातर लोग बिना कुछ सोचे समझे 100 की सैलरी वाले ऑप्शन को ही पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सेफ ऑप्शन है। लेकिन अगर हम दोनों ऑप्शन की एक साल की सैलरी टोटल करके बताऊँ तो आप यह देखकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोनों को कैलकुलेट करके कंपाउंड करके आपको बताते हैं। अगर आपने 100 रुपया प्रति माह पहले वाले ऑप्शन का चुनाव किया तो आपको एक साल में 1200 रुपये की सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप दूसरा ऑप्शन 10 रुपया प्रति माह हर महीने डबल वाले ऑप्शन को चुना है तो आपको एक साल के अंत में पहले महीने आपको 10 रुपये मिलेंगे, दूसरे महीने 20 रुपये, तीसरे महीने 40 रुपये, ऐसे ही आपके हर महीने पैसे डबल होते रहेंगे और साल के अंतिम महीने में आपका टोटल पैसा बनेगा 20,480 रुपये। यानी कि पहले ऑप्शन में 1200 रुपये और वही दूसरे ऑप्शन में 20,480 रुपये की सैलरी आपको मिलेगी। क्या अब भी मुझे आपसे कुछ कहने की ज़रूरत है? आप खुद देख सकते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट हमारे लिए कितना बड़ा चेंज ला सकता है। मुझे पता है आप यह ज़रूर सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा डिफरेंस इन दोनों ऑप्शन में कैसे आ सकता है, लेकिन आप यह खुद ही देख सकते हैं कि यह डिफरेंस 19 गुना ज़्यादा है। इसी को बोलते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। आइए हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम अपने पैसे FD या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किस प्रकार से पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से हमारे टोटल पैसे में कितना डिफरेंस आ जाएगा। आजकल हर कोई शेयर मार्केट में निवेश करना चाहता है। आप सोचिए कि अगर आपके स्टॉक की वैल्यू हर साल कम से कम 10% के हिसाब से बढ़ती है तो हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को ज़रूर मिलेगा। आइए हम इसे कैलकुलेटर के माध्यम से जानते हैं। इसमें हम बारी बारी से इंटरेस्ट रेट और पैसों के हिसाब से हमारे पैसे में कितना चेंज होता है यह देखेंगे। पहला केस है, मान लीजिए अभी आप 20 साल के हैं और 30 साल के लिए आप 5000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट हर महीने करते हैं, तो अगर आपको ऑन एवरेज स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट का 12% भी इंटरेस्ट रेट मिलता है तो 30 साल के बाद आपका पैसा 1.76 करोड़ रुपये हो जाएगा। आपका मूलधन 18 लाख रुपये और ब्याज दर 12% अवधि 30 साल, तो टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 1,76,49,569 रुपये। तो आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग बन जाता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि महीने के 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि उनका 10,000 रुपये कितना बन सकता है। सोचिए अगर आप हर महीने 10,000 रुपये 30 साल के लिए 12% इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं तो 30 साल के बाद आपको टोटल 3.53 करोड़ रुपये मिलेंगे। अब आप यहां खुद ही देख सकते हैं कि बस 5000 रुपये महीने के बढ़ाने से टोटल रुपये में दो गुना बढ़ोतरी, यानी कि 1.77 करोड़ रुपये की बढ़त हो गई। ऐसा हुआ है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। मूलधन 36 लाख रुपये, ब्याज दर 12% और अवधि 30 साल, और टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 3,52,99,138 रुपये। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहा था। चलिए आपको एक और तरीके से बताते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरह से मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग में चेंज हो जाता है। केस 3, अगर अब हम हर महीने 15,000 का इन्वेस्टमेंट 30 साल के लिए 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से करते हैं तो 30 साल के बाद टोटल वैल्यू 5.29 करोड़ रुपये हो जाएंगे। मूलधन 54 लाख, ब्याज दर 12%, अवधि 30 साल, और टोटल अमाउंट 5,29,48,707 रुपये हो जाएंगे। पैसे को सिर्फ 5,000 रुपये बढ़ाने मात्र से टोटल वैल्यू में दो गुना की बढ़ोतरी हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए करोड़ों का कॉर्पस बनाकर दे सकती है। तो अगर आप 20 साल के हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा इसलिए, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट से मिलने वाला इंटरेस्ट रेट FD या बैंक इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा होता है,
क्योंकि अभी हम सिर्फ 20 साल के हैं। हम उस स्थिति में है कि इतना हम रिस्क ले ही सकते हैं। इसलिए 20 साल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको शेयर बाजार या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप यही पैसा FD में लगाते हैं तो आपका कितना फायदा होगा। FD में ऑन एन एवरेज 5% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो चलिए कैलकुलेटर में देखते हैं। पहले हम देखते हैं 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 30 साल के लिए 5% के इंटरेस्ट रेट पर हमको 41.79 लाख रुपये मिलेंगे। यहाँ पर आप कंपाउंडिंग का मैजिक देख सकते हैं, लेकिन यह स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट से 4 गुना कम है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। शायद अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसों पर कितना बड़ा असर डालता है। मूलधन 18 लाख रुपये, ब्याज दर 5%, अवधि 30 साल और टोटल अमाउंट मात्र 41,78,632 रुपये होते हैं। यह किस तरह से आपके पूरे कॉर्पस को चेंज कर सकता है, यह आपने तो देख ही लिया है। तो आप भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा ज़रूर ले, और ज़रूरी नहीं है कि 5,000 रुपये ही लगाए, आप इससे कम पैसे भी लगाकर कंपाउंडिंग का फ़ायदा ले सकते हैं। आप कोशिश करें कि स्टॉक मार्केट में SIP मोड में अपने पैसे को लगाएं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप लंबी अवधि के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 10 साल के लिए, 20 साल के लिए या इससे अधिक समय तक निवेश करने पर आपको ज़्यादा फायदा होगा। और आप कोशिश यह करें कि आप निवेश जल्दी शुरू करें, इससे भी आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर महीने के 5,000 SIP का प्लान 10 सालों के लिए आपने किया है और आपको 10% का सालाना रिटर्न मिलता है तो 10 साल के बाद आपको 10.5 लाख रुपये फंड मिलेगा। लेकिन अगर आप यह निवेश 20 सालों के लिए करते हैं तो आपको 38.3 लाख रुपये मिलेंगे। इसलिए लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करने को कहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा फायदा ले सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक कर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।